नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ की ओर से आज राजभवन के समक्ष रांची समेत अनेकों जिले से आए दिव्यांग ने अपने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष धरना दिया और साथ ही साथ कहा कि हेमंत सरकार हमारी मांग जल्द नहीं सुनती है तो हम लोग आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। हम यहाँ पे 21 सूत्रीय मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं और यहाँ पे हम जमीन से लेकर के ऊपर जहाँ तक हमारा जैसे कि आरक्षण, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो गांव में रहने वाले हमारे गरीब विकलांग भाई बहन जिनका अंत्योदय कार्ड, आवास की बात हो, शौचालय की बात हो, चाहे झारखंड में आप देख सकते हैं अन्य राज्यों में बसों में विकलांगजनों को छूट मिलता है, लेकिन विकलांगों की आवाज़ बन के जी अभी तक मैं पूरे जिले के पूरे झारखंड के विकलांगजनों को इकट्ठा करने का काम किया हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि 150 के करीब हमारे विकलांग साथी हैं। अगर सरकार इसके बाद भी अगर नहीं हमारी बाज आती है तो फिर हम यहाँ पे पूरे हमारे झारखंड में 10 लाख विकलांग हैं, 10 लाख में से नहीं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आने वाले दिन में यहाँ पे 10,000 विकलांग उतारेंगे और उतार करके और सीएम आवास और पूरा रोड जाम करते हुए सीधा मुख्यमंत्री आवास को घेरावा करेंगे। देखिए, आज झारखंड के तमाम जिलों से कोने कोने से हमारे दिव्यांगजन साथी आए हैं और हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर गए हैं। हमारे कई सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं। हालांकि इस राज्य में बहुत सारी समस्याएं हैं, हम लोग 21 सूत्री मांगों को लेकर यहां पर आए हैं, पर हमारे 5 ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको सरकार के कहने के अनुसार ही हम इसको मुद्दा मानते हैं और ये 5 मांगे जब तक सरकार नहीं मानेगी हम इस अनिश्चितकालीन धरना को समाप्त नहीं करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले सरकार ने अपने 19 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद दिव्यांगजनों को 2500 रुपया पेंशन की जाएगी, जो अभी तक नहीं की गई है। राज्य के दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने, इसके पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है उनको हम सीधी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करेंगे, जो अभी तक हमको वो नियुक्ति नहीं दी गई है, तो हमें वो सीधी नियुक्ति चाहिए। तीसरा है कि हमारे राज्य में अभी तक पिछले 2 साल से हमारे राजनिशक्ता आयुक्त का वैकेंसी खाली है और अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। बैकलॉग को चिन्हित करके लगभग 8,000 बैकलॉग की वैकेंसी हमारी बची हुई है जो अभी तक नहीं की गई है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको अब हम लड़ कर लेंगे। बात तो बहुत सारी है, हमको लगता है कि ये प्रदेश जो है इसे झारखंड प्रदेश आंदोलनकारियों का ही होगा और दिव्यांगों को भी लगता है कि अपना हक अधिकार लेने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। एक इस तरह की हमारी मांगे हैं और समस्याएँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ मुख्य मांगे हैं जैसे कि हमारा पेंशन का वृद्धि करना, दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री आवास में हमारी जगह दिलवाना और राज्य निशक्तता आयुक्त की बहाली करना। ऐसे 2016 का जो RPWD एक्ट बना उसको सुचारू रूप से झारखंड में लागू करवाना, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। और मैं सरकार से यही कहूँगा कि अगर आप दिव्यांगों के प्रति सजग नहीं हैं तो आप दिव्यांग जाग चुका है, अब दिव्यांग रुकेगा नहीं, थकेगा भी नहीं। अब इतना बढ़ गया है कि राजभवन तक आ गया है। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग आम और अनशन पर भी जाएंगे। आज धरना स्थल पे हैं, कल रोड को जाम करेंगे और सिर्फ जाम ही नहीं करेंगे, मुमकिन हुआ तो हम लोग CM आवास को भी घेराव करेंगे।